राजू झोटिंग और मित्र परिवार की ओर से शहर से गुजरने वाले गरीब मजदूर और उनके परिवार के लिए राष्ट्रीय महामार्ग पर भोजन की व्यवस्था की गई है। कोरोना महामारी के चलते समूचे भारत समेत राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया। बस सेवा के साथ रेलवे सेवा तक भी आवागमन के लिए सरकार द्वारा रोक दी गई है। इस लॉकडाउन का आज 39वां दिन है। लॉकडाउन के बाद आने वाली परिस्थिति किस प्रकार होगी, इसकी कल्पना भी किसी के जहन में नहीं थी। उस समय शहर के गुमनाम सामाजिक कार्यकर्ता राजू झोटिंग ने इन समस्याओं को भाग कर राष्ट्रीय महामार्ग से हजारों की संख्या में पर प्रांत में काम करने वाले गरीब और मजदूर लॉकडाउन के चलते बड़े शहरों से मार्ग क्रमण कर सकते हैं। इस सोच के साथ राजू इन्होंने आपदा में फंसे हुए लोगों की मदद करने की ठान ली। लॉकडाउन के चलते ही दूसरे दिन पर प्रांतीय मजदूर एवं निराधार नागरिकों की यातायात पैदल साइकिल मोटरसाइकिल से अपने गांव जाने हेतु निकले। मजबूरन यात्रियों को शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग पर ताता लगा इस कार्यकर्ता के नजर में आया। राजू झोटिंग ने तुरंत ही इन यात्रियों को शुरुआत में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की, साथ ही बिस्किट पैकेट देकर उनकी प्यास बुझाई। जानकारी लेने पर उन्हें यह समझ आया लोग भूखे प्यासे पैदल कोसों मील दूर गांव जाने के लिए निकले हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करना अनिवार्य है। उन्होंने इस बात को अपने मित्रों के साथ चर्चा की और मित्रों के सहकार्य से तुरंत ही राहगीरों के लिए खाने की व्यवस्था शुरू की। आने वाले लोगों की तादाद देखकर आर्थिक प्रश्न भी खड़ा हुआ, लेकिन राजू झोटिंग व सहकारी मित्रों ने प्रयास करते हुए सामाजिक संगठनों से मदद की गुहार लगाई। शहर के सामाजिक संगठनों ने कुछ दानशूर व्यक्तियों ने मदद का हाथ बढ़ाया। तुरंत ही अनाज किराना सब्जी साथ ही आर्थिक मदद भी मिल गई। कारवा बनते गया और बड़ी तादाद में मदद मिलने के बाद अब सैकड़ों राहगीरों को भोजन और शुद्ध पेयजल का लाभ मिल रहा है। नॅशनल हायवेच्या बाजूला माझं घर आहे आणि लॉकडाऊन झाल्यानंतर 25 तारखेची रात्री पैदल जाताना मला आठवलं, म्हणजे लक्षात आलं हे परप्रांतातलं मजूर आहे आणि मी माझ्या घरची पाण्याची कॅन आणि शेजारी असलेल्या किराणा दुकानातून बिस्कुटचे पुडे घेतले आणि त्यांना देण्यासाठी गेलो। सर मी त्यांच्यासोबत चर्चा केली तर तुम्ही कुठून निघालात कुठे जाणार, त्यावर त्यांनी सांगितलं की आम्ही हैदराबादवरून निघालेलो आहो, आम्ही पायी येत आहो, आम्ही मी सरकीपासून निघालेलो आहो, कोणते वाहन आम्हाला मिळत नाही। आणि त्यावेळेस त्यांना हे पण विचारलं का तुम्ही यापूर्वी जेवण कधी घेतलं, त्यांनी सांगितलं का आम्ही काल सकाळी जेवण घेतलेलं आहे। त्याच्यातून मला एक कल्पना सुचली का बा यांना जर 24 तास जेवण मिळालं नाही तर यांना त्रास होईल बा, आणि त्याच्यातून मला एक कल्पना सुचली, मी माझा मित्र भालशंकर सर यांच्यासोबत चर्चा केली, गुरुजी आपण काहीतरी करायला पाहिजे असे एक दोन मित्र आमचे समीर बक्स प्रवीण कोले आणि पूर्ण वाड्यातल्या लोकांनी सुद्धा सांगितलं का बा आपल्याला असं करायचं आहे बा, त्यावेळेस सगळ्या वाड्यावरनी सांगितलं का बा आम्ही मदत करतो बा, आणि आम्ही मग हा कार्यक्रम जेवणाचा सुरू केला। हळूहळू ही चर्चा पसरत गेली, गावातील काही सामाजिक संघटनांनीसुद्धा आम्हाला अन्नधान्याची मदत केली, काही दुकानदारांनी त्यांच्याकडे पत्रावळी ड्रोन हे सुद्धा आम्हाला त्यांनी पुरवलेलं आहे, काही संस्थेनी आम्हाला पाणीसुद्धा पुरवलेलं आहे आणि आम्ही 25 तारखेपासून आम्ही सतत कंटिन्यू रोज 300-400 इतक्या लोकांना आम्ही ते अन्नदान करतो। NBCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।